बक्सर से आ रही है, जहां पर लाठीचार्ज के विरोध में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो बिहार के बक्सर में किसानों का जबरदस्त हंगामा देखा गया है। दरअसल लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी, पुलिस के एक्शन पर ये किसानों का गुस्सा जो है वो फूटा, जिसके बाद आगजनी की तस्वीरें, तोड़फोड़ की तस्वीरें, पुलिस ने आपको बता दें आधी रात घर में घुसकर किसानों को पीटा था, जिससे नाराजगी इन लोगों ने जताते हुए आज अपना विरोध जताने का तरीका आगजनी और तोड़फोड़ को चुना है। जमीन के मुआवजे के लिए कई दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला, तो संज्ञान में लेकर मामला हुआ है। हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है, एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। और एक और मामला है कि सुपर्टी लाइन में उसे पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि कास्ट सेंसस गलत है और उसकी सुनवाई 13 जनवरी। नहीं, कहां से गलत है, ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधार गणना, और भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती, इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस सर्वे है। और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के, और ये सिर्फ कास्ट बेस सर्वे ही नहीं बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो हैं किस हालात में हैं। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाएगा। तो उसलिए ये बेहद ज़रूरी है, और कई राज्यों ने तो पहले कराया था, और हम लोग जो है उत्तर भारत में पहली बार, आप समझिए जो 32 के बाद जो है 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है, तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे, कौन लोग जो हैं गरीब हैं, इसमें सब कुछ पता चलेगा। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, अगर ये गड़बड़ है